नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। भारत का हिमालय का क्षेत्र बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। आज हम आपको भारत के उत्तराखंड राज्य में ले चलते हैं, जहां पर हिमालय की तलहटी में शिवालिक के बहुत ही अच्छे खूबसूरत वन क्षेत्र हैं। अनेकों तरह के वन्य जीव यहाँ रहते हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रही हिमालय पर्वत श्रृंखला देवभूमि के रूप में भी जानी जाती है। तीर्थाटन की दृष्टि से तो इसे विश्व में सर्वोपरि माना गया है, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी पर्यटक भी आने लगे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र का पर्यटन शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं, हरे भरे घास के मैदान, श्रद्धा और आस्था के केंद्र गंगा के तीर्थ स्थल के साथ साथ यहाँ के सघन वन और वन्य जीवों के लिए भी जाना जाता है। जब हम यहाँ के राष्ट्रीय मार्ग या फिर ट्रेन से सफर करते हैं, तो उस दौरान हम इन्हीं जंगलों के बीच से होकर गुजरते हैं, और इसीलिए वन्य जीवों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 1983 में इस वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संक्षिप्त नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजाजी पार्क रखा गया। अपने आंचल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को समेटे यह पार्क मुख्य रूप से हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है। गंगा तटीय और हिमालयी भूभाग की वानस्पतिक जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले इस पार्क को प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। समुद्र तट से 300 से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित करीब 820 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वन क्षेत्र में विशाल एशियाई हाथियों के प्राकृतिक वास और विचरण स्थल हैं। वन्य जीवों के स्वर्ग स्थली शिवालिक के ये जंगल खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही तेंदुए के लुका छिपी का अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। और हाथियों के झुंड इस जंगल की शोभा बढ़ाते हैं। इसके अलावा अन्य जंगली जानवर स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। जहाँ कहीं पानी की उपलब्धता है, वहाँ जलीय पक्षी भी देखे जाते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्रों का महत्व ब्रिटिश काल से ही रहा है। तब इसे गौहरी रेंज के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र की महत्ता, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश अधिकारी जंगल में पड़ाव डालते थे, जिसका साक्ष्य है इन वन क्षेत्रों में अनेकों पुराने विश्राम गृह, जहां ठहर कर ब्रिटिश नुमाइंदे जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते थे, शोध करते थे, जिसका जिक्र अनेकों लेखक ने अपने शोध पत्र और वन्य जीवों पर लिखी गई पुस्तकों में किया है। दरअसल ये विश्राम गृह जंगल की मूक कहानी के दस्तावेज हैं। उत्तराखंड के जंगलों में इस तरह के करीब 200 हेरिटेज बिल्डिंग हैं, जो खूबसूरत घने जंगलों के बीच स्थित है। सैलानी प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद उठाने के लिए इन हेरिटेज विश्राम गृहों में ठहर सकते हैं। साथ ही रात्रि काल में विश्राम गृह के आसपास विचरण करने वाले जंगली जानवरों का अवलोकन कर रोमांचकारी अनुभव का अनुभूति कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि इससे किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचे। यहां ठहरने के लिए उत्तराखंड वन विभाग के साइट पर जाकर
सीधे नेट द्वारा बुकिंग कराई जा सकती है। पार्क में घूमने आने वाले सैलानी जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लें और इस बात को अवश्य समझें कि राष्ट्रीय पार्क किसी भी राज्य की शान होती है। इसमें प्राकृतिक रूप से रहने वाले पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। भ्रमण के दौरान जंगल की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड की हिदायतों की अवहेलना न करें और जंगल के नियमों का पालन करें। हिमालय की तलहटी में स्थित ये शिवालय के वन क्षेत्र अनेकों तरह के भौगोलिक परिस्थितियों के बदलाव से गुजरते हैं, जिनको समझ पाना पार्क प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अनेकों जगह पार्क के अंदर सूखी नदियां इस समय दिख रही हैं, जो वर्षा काल में पहाड़ी बरसाती नदी बनकर उफनने लगती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बढ़ जाती हैं। उस समय इस स्थान का संपर्क अन्य जगहों से टूट जाता है और यही कारण है कि यह पार्क वर्ष में 6 महीने बंद रहता है। बस 15 नवंबर से 15 जून तक सैलानियों के लिए खोला जाता है। हरिद्वार से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजा जी पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार चीला है, जहां से पर्यटक टिकट लेकर जंगल के भीतर भ्रमण के लिए जा सकते हैं। यहां हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्रीय पार्क से अभिप्राय ऐसे संरक्षित वन क्षेत्र से है जिसमें प्राकृतिक रूप से रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधों, वन संपदाओं आदि को अपने मूल रूप में रहने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि गिरे वृक्षों, सूखी डालियों आदि को भी नहीं काटा और हटाया जाता। जंगल के पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये सब जरूरी है। जब हम जंगल में भ्रमण करते हैं तो हमें इसको समझना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जंगल को हम किस तरह बचा सकते हैं। यदि जंगल बचे रहेंगे तो जीवन भी बचा रहेगा। आज हम अपने इस सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।